वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वर्नी प्लेसेस। मैं हूं आसिफ और इस समय मैं हूं केरला के अलप्पी शहर में, और जो ये प्लेस जहां मैं खड़ा हूं इसे इंटरनेशनल क्वायर म्यूजियम के नाम से जानते हैं। बैक साइड में आप देखोगे तो वो फैक्ट्री है सारी, और इस तरफ हम दिखाएं तो इधर होता है ट्रेनिंग। यहां पे नारियल, जानते हो आप, नारियल देखा होगा आपने, जो कोकोनट है उसके जो हस्क होता है, या लोकल लैंग्वेज में कहते हैं जो नारियल का जो छाल होता है, सारा कुछ उसी से बना हुआ अंदर है, वो म्यूजियम में बना हुआ। तो हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है। सामने टिकट काउंटर है जहाँ से जाके मैं टिकट लेता हूँ। गाइस, दो टिकट लेना पड़ गया मुझे, एक है म्यूज़ियम के लिए जिसका आपको 20 रुपीज़ देना पड़ता है, दूसरा रिकॉर्डिंग के लिए जिसके लिए मैंने 100 रुपीज़ पे किया। अगर फोटोग्राफी लेना तो फिर 50 रुपीज़ आपको पे करना होगा। एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है, अंदर जाके देखते हैं क्या है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें। सो गाइस, यहाँ की जो एंट्री है ये कुछ थोड़ा सा अलग हटके है। एंट्री पे जैसे आप एंटर करोगे आपको सामने में ये देखेगा एक रेप्लिका इन्होंने बना रखा है, जो ताजमहल का है वो प्योर क्वायर से बनाया हुआ है। और फिर इस लेडी को जो वेलकम के लिए लेडी खड़ी है, इसका आप अगर ज्वेलरी देखो तो ये ज्वेलरी भी बना हुआ है क्वायर से। कुछ हिस्ट्री है क्वायर बोर्ड का, जिसमें कि आप देख सकते हैं इनेक्टेड ऑन 1953 एंड फॉर्मड ऑन 7 जुलाई 1954। फर्स्ट चेयरमैन जो थे इस क्वायर बोर्ड के वो थे श्री एम सी थॉमस, हु वाज एन आईएएस दैट टाइम, और वाइस चेयरमैन थे श्री आर कुंजी रमन। और फिर 19 अगस्त दरबार हॉल अनकुलम में इसका इनोग्रेशन हुआ था। बच्चों को ये जगह काफ़ी पसंद आएगी क्योंकि यहाँ पे कई सारे एनिमल्स के जो रेप्लिका बने हुए हैं वो सभी कुछ क्वायर से बने हुए हैं। क्वायर का जो आप छिलका देखते हो ना, तो उसको जब छीलते हैं तो नारियल के ऊपरी पार्ट में जो रहता है फाइबर, उस फाइबर से ये सारा धागा बना हुआ, उसी से फिर इन्होंने सारा ये म्यूज़ियम बनाया जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम है। इस रूम में सारा एक प्रोसेस बताया गया है किस तरह से जो कोकोनट हस्क है वहाँ से लेके पूरा बनाया, किस तरह से हम रोप बनाते, किस तरह से थ्रेड बनाते हैं, वो शॉर्ट में बताया गया है। अभी देखो सामने ये हस्क निकाल रहे हैं और फिर ये इस तरह से फाइबर बना, और फाइबर से ये थ्रेड बना के ये रेडी प्रोडक्ट हो गया है जो यहाँ थ्रेड रखा हुआ है। एग्जैक्टली ये प्रोसेस इस तरह से, जो फाइबर है फाइबर से पूरा थ्रेड बना हुआ है, किस तरह से धागा बनता है सारा क्वायर से, वो सारे अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के मशीन्स हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये मशीन आई थी जिसे वज्र स्पिनिंग मशीन कहते हैं, और यहाँ से फिर ऑटोमेटिक वो थ्रेड बनने का प्रोसेस सारा है, जो कि यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं फाइबर है कोकोनट का, और इसको फिर किस तरह से थ्रेड बनता है ये सारा यहाँ पे बताया गया। और थ्रेड से आप देख सकते हो यहीं पर बोर्ड्स बना रखा है इन्होंने, सामने कोकोनट ट्री है, ये गुफा बना रखा है इन्होंने, ये बहुत ही प्यारा सा मुंह बना रखा है, पता नहीं किसका, जिसका भी मुँह अच्छा ऑल बना रखा है, मस्त लग रहा देखने में। जैसे ही आप थोड़ा अंदर आएंगे तो अंदर के टाइप पे एक बोर्ड बना रखा है, इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ पॉट्स, जो फ्लावर पॉट्स होते हैं वो इन्होंने बना रखा है, और सारा कुछ क्वायर से बना हुआ। यहाँ पे जैसा कि लिख रखा है इन्होंने कि डोंट टच, छूना मना है, सो वी आर नॉट टचिंग इट, लेकिन देखने से काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। आप देखो ये हैंगिंग बास्केट कितना ज़बरदस्त बना रखा है, और फिर ये सारा कुशन टाइप से, ये छोटे से बड़े जितने सारे पॉट्स हैं सारा कुछ इन्होंने क्वायर से ही बना रखा है, कुछ अमेजिंग है, बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। अब ये है वो ख़ास चीज़, यू वॉन्ट टू बिलीव, ये पूरा बना हुआ है क्वायर के हस्क से। जी हाँ, बिल्कुल इस प्रोडक्ट से बना हुआ ये सारा, इवन के पिलर्स, रूफ़ को हटा के जितना भी चीज़ है सब कुछ बना हुआ। मैं आपको पास से जाके दिखाता हूँ, ये हस्क थ्रेड दिख रहा है आपको, इवन के जो वॉल्स है बने हुए हैं कोकोनट हस्क से, और इस तरह से पूरा बेड है। मैं अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ सीधा अंदर और देखता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ दिखाया गया है। जैसे ही एंटर करते हैं ये सारे बास्केट्स हैं यहाँ पे, और ये वॉल हैंगिंग है एनिमल्स के जो फेसेस बने हुए, ये कबर्ड है, कबर्ड में जो
ये पार्ट जो है ये बना हुआ है हस्क से, लेकिन ये ग्रेनाइट है, ये सारा हस्क है। फिर एंटर करते, ओ माई गॉड, बेहतरीन क्वायर बेड, और पूरा क्वायर से ही बना हुआ है। ये बेडशीट को छोड़ के मुझे लगता है, ये दिखाओ अंदर, अंदर देखो, ये जो भी है बना हुआ है सारा कुछ बना हुआ है क्वायर से, मतलब कुछ अमेजिंग है। और फिर यहाँ पे योगा मैट है, यहाँ पे टेबल है, इवन के ड्रेस है वो भी बना हुआ क्वायर हस्क से। सो काफ़ी अच्छे से इन्होंने बना रखा, देखने के बाद तो अजब बेहतरीन सा नज़ारा दिखता है। ये जो लाइट कलर जो लैम्प है वो भी बना हुआ है क्वायर से। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये भी मैं जिस प्लेस पे हूँ इसे ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। यहाँ एक चीज़ मुझे बताया गया है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने आते हैं तो उनको ये सिलेक्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, जो जिन्हें वो स्टिपेंड भी देते हैं 3,000 रुपीज़ पर मंथ। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैटरडे संडे ऑफ है, बाकी सारे दिन यहाँ पे चलता है ट्रेनिंग। तो अगर आप भी चाहें तो ट्रेनिंग ले सकते हैं किस तरह से क्वायर से बनाया गया है। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे हॉस्टल भी की फैसिलिटी भी है, और साथ ही साथ आपको 3,000 रुपीज़ स्टूडेंट भी मिलता है यहाँ पे। एडमिशन के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। आई थिंक ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव होगा कि मैक्सिमम लोग इस फील्ड में आएँ, और क्वायर से किस तरह से प्रोडक्ट बनता है इसको प्रमोट करने के लिए उन्हें स्टिपेंड का प्रोग्राम रखा है। साथ ही साथ फ्री ट्रेनिंग मिलता है सैटरडे संडे, और हॉस्टल के फैसिलिटी भी, इनके गर्ल्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी है। इनका कुछ ना कुछ आउटलेट होगा, तो जस्ट सामने शॉप, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। देखता हूँ मैं अंदर चल के क्या क्या है जहाँ से हम कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। हैंगिंग पॉट है जो कि आप देख सकते हो, बिल्कुल नारियल है ना, नारियल से ही बना हुआ है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एक ज़रूर लूँगा यहाँ से। प्राइस रिटर्न